हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। आज देश की नजरें टिकी हुई हैं पंजाब पर और पंजाब में ही टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन लेकर हाजिर है। पंजाब की राजनीति के हर अहम मुद्दे पर, हर अहम किरदार से हमारी लगातार आज दिन भर बात होगी। और अब हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान जुड़ेंगे। वो मेहमान हमारे साथ जुड़े उससे पहले मेरे सहयोगी दिनेश गौतम को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, जो मेरे साथ रहेंगे इस इंटरव्यू के दौरान। और हमारे साथ जो ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनको बहुत, उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत इस चुनाव में भी मिल रही है। जब वो आए पंजाब की राजनीति में तो कहा गया था कि ये बहुत दूर तक जाने वाली पार्टी है, और इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि ये मौका उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जब जो वो करने के लिए सबसे पहले पंजाब की राजनीति में दखल उन्होंने रखा था, वो इस बार वो कर पाएंगे। तो कौन से वो तमाम अहम मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के ही बड़े और अहम नेता जिन्हें उनके अहम कामों के लिए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए, जो शासन के क्षेत्र में किए, उनके लिए उन्हें जाना जाता है। मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है मनीष सिसोदिया जी। तो मनीष सिसोदिया जी से अब सवालों जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मैं और दिनेश कौतम। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर बात करें आप सामने जो चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल है, अगर आम आदमी पार्टी जिनके इर्द-गिर्द घूमती है तो उसका इंजन है मनीष सिसोदिया। और वो काम जो जिनको गिनाया जाता है उपलब्धियों के तौर पर, उसमें बहुत सारों के सूत्रधार और खासतौर से एजुकेशन जो गेम चेंजर रही है, जिसकी बात अब न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में कई जगह की जाती है, एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन का पूरा रिफॉर्म दिल्ली के भीतर, इसका श्रेय मनीष सिसोदिया को ही जाता है। लेकिन पंजाब के लिए उनके दिल दिमाग में क्या है, और खासतौर से कल जो हुआ जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में है, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पीएम सिक्योरिटी लैब्स, उस पर आ रहे रिएक्शन, और बहुत जरूरी है जानना कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस विषय में क्या राय रखते हैं। मनीष जी, इसके साथ शुरुआत करना चाहूंगा, आपका टेक। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, पंजाब के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, और अगर देश के प्रधानमंत्री पंजाब में जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, चाहे राजनीतिक रैली के लिए जा रहे हैं या देश के किसी सरकारी प्रोग्राम में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री क्योंकि देश के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पंजाब सरकार की है। ये बहुत बड़ा फेलियर है, इसकी जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होके जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, जहां भी लैप्स हुआ हो, इन्फॉर्मेशन लीक हुई हो या सिक्योरिटी लैप्स हुआ हो, इग्नोर की गई हो चीज़ें, जैसे भी हुआ हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, बात नरेंद्र मोदी जी की नहीं है व्यक्तिगत रूप से, बात इस देश के प्रधानमंत्री की, बात भारत के प्रधानमंत्री की है। एज एन इंडियन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हो, और अगर कुछ हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होके दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमेशा के लिए एक मिसाल बन के रहे। जी मनीष जी, ये तो अब सरकार भी कह रही है पंजाब की कि वो जांच कराएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पंजाब सरकार पर, पंजाब की पुलिस पर, उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि वो बहुत सीधे तौर पर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि खुफिया जानकारी लीक की गई, बताया गया, और ये बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, कल जो भी हुआ, मतलब गलती कहां थी, किसने गलत किया, ये तो जांच का विषय है, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, लेकिन कल जो भी हुआ वो गलत था। देश के प्रधानमंत्री को एक ऐसी जगह पे खड़ा होना पड़े जहां यू नेवर नो कि सराउंडिंग में क्या है, आसपास में कौन हो सकते हैं, कहां हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को अगर अनवांटेड रूप से सारी सिक्योरिटी को ताक पे रख के इस तरह से इतनी देर उनके काफिले को रुक के रहना पड़े, ये ठीक नहीं है। ये मतलब देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खतरनाक चीज़ है, होनी नहीं चाहिए थी ये। अब जिसने भी किया, पंजाब पुलिस की लापरवाही है या किसी और की लापरवाही है, कहीं से जैसा मैंने शुरू में कहा कि इग्नोरेंस है या जानबूझ के कुछ किया गया, इसकी तो बहुत निष्पक्ष जांच होकर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इस पर एक बात और जानना चाहते हैं मनीष जी, ये बात ठीक है कि आपने कहा जिस भी सूरत में हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक बात ये बताइए जो विशेष रूप से कही गई कि अगर जो लीडर है, जो 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 पद पर बैठा हुआ है, जिसकी जिसका रूट है और जिसकी रैली है, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे जाना है, तो टॉप ऑफिसर भी बियॉन्ड अ पॉइंट डिनाई नहीं कर पाता, उसकी मजबूरी हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा, भी हमारे साथ गृह मंत्री जुड़े हुए थे पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि जब इस तरीके से इसरार किया गया, इंसिस्ट किया गया, तो ऑफिसर क्या करता, मैं होता उनकी जगह तो शायद मना कर देता, लेकिन वो बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की कार्यशैली, उनका तरीका ऐसा है। डू यू ऑल, आप क्या इससे अग्री करते हैं, ये ऐसा हो सकता है?
देखिए ये सारे फैक्ट्स हैं, अब इसकी तो चीज जांच में ही सामने आ सकती है, क्योंकि जो कुछ हुआ कल अनफॉर्चुनेट था, चिंताजनक है, डराता है, लेकिन किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने इंसिस्ट किया, किसने इग्नोर किया, किसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि धरना चल रहा है या रोड ब्लॉक हो चुका है, किसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ से जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो मिसमैनेजमेंट जहाँ भी हुआ है गलत हुआ है। और इस पे किसी व्यक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री जी ने जिद की या गृहमंत्री ने कहा कि हाँ ठीक है फिर चले जाओ क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन बात देश के प्रधानमंत्री की है। और पंजाब में अगर हैं तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, पंजाब सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ उनके रहते हुए पंजाब में ऐसी दुर्घटना हुई है, ऐसी घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।